बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सब बहन भाइयों का की हाल चाल है? अल्लाह पाक तुहानू सब नू खुश रखे ते आबाद रखे। अज असी अंडे ते आलू दे नाल एक डिश बच्चों वास्ते बनाने लगे हैं, जो बच्चों के लंच बॉक्स से भी इस्तेमाल हो सकती है, तो तुसीं चाह विच भी इनू इस्तेमाल, टी टाइम टाइम भी इस्तेमाल कर सकते जे। पंजाबी दा किचन 175 के नू तुसीं सबसक्राइब करो, बैल का बटन जरूर दबाओ, तो वीडियो नू एंड तक जरूर देखिया करो। चलो असी सब तो पहले आलूआं नू उबाल लांगे ते अंडियां नू भी उबाल लांगे। साड़ी आज दी जड़ी रेसिपी है, डिश है, इहदा नाम है एग पोटैटो नगेट्स। ए बहुत ही आसान है। असी अंडियां नू भी उबाल लिया है ते बॉयल करके इन्हां नू मैश करता है। अगर वैसे तुसी चम्मच ना कर लो, या असी ते कद्दूकश कर लिया है। आलूआं नू भी अच्छी तरह असी मैश कर लिया है, इन्हां नू भी उबाल के मैश कीता है। थोड़ा जिहा असी धनिया डालांगे, विच अद्धी चम्मच काली मिर्ची, अद्धी चम्मच असी नमक, अद्धी विच ही सुरख मिर्च का इस्तेमाल करांगे। हुण असी इहनू सब नू मिक्स कर दें। एक बॉल ले लो, एक बॉल लेके उहदे विच तुसीं इह मैश कीता है आलू जिहड़ा उबले हुए है इहनू डाल लो। उस तों बाद इह अंडा जिहड़ा तुसीं क्रश कीता है इहनू डालो। फिर इहदे विच असी धनिया ते सारे मसाले डाल देंगे। काली मिर्ची, सुरख मिर्च पाउडर ते नमक, ये तीनों चीज़ा असी छोटी चम्मच चाय वाली अद्धी अद्धी इस्तेमाल किया है, यानी कि बड़ा चम्मच अद्धा ले लो तुसी। ए बच्चियां वास्ते बहुत ही हेल्दी ते प्रोटीन है इहदे विच। ए बच्चे जो अंडा नहीं खाना पसंद करते या जिन्हां नूं आलू पसंद नहीं, तुसी इस तरह उन्हां नूं बना के ते उन्हां नूं खिला सकदे जे। यह फुल प्रोटीन है ते बच्चियां वास्ते ते बहुत ज़्यादा अच्छा है। असी हाथ इस्तेमाल हुण कर लैने क्योंकि चम्मच ना नहीं हो रहा। इनू अच्छी तरह तुसी मिक्स करो, बिल्कुल इनू अच्छी तरह तुसी जिस तरह मलेदा नहीं कर लीदा, इस तरह तुसी मिक्स करना है ताकि टूटे ना। ये बेशक तुसी टिक्कियां बना लो या नगेट्स छोटे छोटे बनाओ, वो लुक दो जड़ी बच्चे नू अच्छी लगे देखन च, ते बच्चा खुद अट्रैक्टिव होके ते इधर आए और खुद मंगे खान नू। ए देखो असी बना दे, कोशिश करो अंडे नू अच्छी तरह तुसी मैश कर लेना। ए साडा रेडी है मिक्सचर। हुण असी इहदे छोटे छोटे बनाने हैं नगेट्स। एक प्लेट ले लो। ए सब मिक्स हो गया है। हुण असी एक छोटा जिहा पीस इच चुकांगे, जिस तरह गोल असी बनाई दे ने कोफते, उस तरह इहनू बना के ते तुसी जिस तरह चौरस नगेट्स दा साइज हुंदा है ओडे ओडे बना लो। शेप ओ वाली दे दो नगेट्स दी। इन्हां नूं बना के असी थोड़ी देर वास्ते फ्रीज़र च रखांगे, यानी कि थोड़े जे ज़रा कि सख्त हो जाएंगे, टाइट होंगे, तो फिर असी इन्हां नूं फ्राई करांगे। फ्राई किस तरह करना है असी तुहानूं अगे जाके वीडियो च दिखाऊंगे। ये दो तरीके ना इन्हां नूं फ्राई की कर सकते जे तुसीं, वो तुहाडी मर्जी है। अगर वो चीज़ां तुहाडे कोल अवेलेबल ने तो तुसीं आसानी नाल उन्हों फ्राई कर सकते जे। जो घर चे मौजूद है, कोई जरूरी नहीं है कि तुम कोई इन्ना खर्चा करो, जो है तेरे को तुम वह इस्तेमाल कर सकते जे। बच्चों के लंच बॉक्स लिए सब तो बेस्ट है, बच्चे घर नहीं खाते, चलो लंच बॉक्स च हो गए तो बच्चा आसानी दे नाल खा सकता है। असी चिकन दे भी तुहानू नगेट्स बनाना सिखावांगे, इंशाल्लाह रेसिपी जल्दी आएगी।
कॉमेंट्स करके दसना तुसी कि तुहानू रेसिपी किस तरह की लगी है। लंबे कबाब वंगर बना के आराम इन साइडा तो तुसी दबा दो। देखो माशाल्लाह कितनी अच्छी शेप आ रही है। इस तरह ही सारे रेडी कर लो। देखो असी साढ़े माशाल्लाह नगेट्स सब तैयार हो गए। थोड़ी देर वास्ते असी इन्हों फ्रिज रखे है। एक अंडा लिया इन फ्राई करन वास्ते। तुसी चाहो तो तुसी ब्रेड क्रम्स ते तुसी मैदे का इस्तेमाल करके ते इन्हों वो देना फ्राई भी कर सकते हो। तो ब्रेड क्रम साढ़े को नहीं सी इसलिए असी इनू अंडे दे नाल डिप करके तो फ्राई करते हैं। पैन असी ऑयल डाल के तक थोड़ा गर्म रखे है। एक अंडा लिया इनू असी अच्छी तरह फेंट लेने। ऑयल भी तकरीबन गर्म हो गया साढ़ा। थोड़ा जहा ऑयल डालना, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। ते अंडे नूं तुसी सिंपल ही रखना है, इहदे विच कुछ नहीं डालना। एक एक तुसी पीस उठाओ, उन्हें आराम नाल विच डिप करो आहिस्ता नरम हत्थां नाल ते उन्हें इत्थे डाली दो। ऐसे तरह सारे तुसी जिहड़े पीसिस ने इन्हां नूं अंडे च डिप करके ऐसा ऐसा इत्थे रखी दे। देखो सारे असी पैन च नगेट्स डाल दिते ने। हुण ऐसा ऐसा पक रहे ने। जदों देखो कि एक साइड हो गई है तो फिर तुसी उन्हें पलट सकते थे। तो आराम एहतियात के नाल पलटना ताकि वह टूट ना जान। देखो एक साइड हो गई है, माशाल्लाह देखो ये गोल्डन हो गया। तुसी अपनी मर्जी ने इन्हें शेप दे सकते जे जो बच्चों को अच्छी लगे। जरा एहतियात के नाल हाथ इस्तेमाल करना ताकि ऐसे तरह सारे तुसी इस चीज़ को पलट दवो। वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब ते शेयर जरूर करना। वीडियो का वाचिंग टाइम जरूर पूरा किया करो। वीडियो एंड तक जरूर देखा करो, बिच लिया के तो छोड़ ना दिया करो। इंशाल्लाह इस तो अच्छिया तो न्यू न्यू वीडियोज़ लेके आवेंगे, ब्लॉग लेके आवेंगे तो बच्चों वास्ते लंच बॉक्स में भी न्यू न्यू आइडियाज़ लेके आवेंगे। इंशाल्लाह तुहानू सब नू बहुत अच्छे लगनगे। साढ़े नैगेट्स जो रेडी ने, हुण इन्हां नूं असी प्लेट च निकालदे हां। एक प्लेट लै लो, प्लेट लैके उहदे विच तुसी एक टिशू रख लो। किचन जिहड़ा किचन च यूज हुंदा है मोटे वाला टिशू वह रख के उस तों बाद असी एक एक करके इन्हां नूं निकालदे हां। एहतियात नाल निकालो, टिशू ते रखोगे ते है कि इहदा सारा ऑयल जिहड़ा ना टिशू च चला जाएगा, ऑयल मूछ नहीं आएगा। सारे नैगेट्स इस तरह तुसी निकाल लो।
देखो माशाल्लाह साढ़े बहुत ही खूबसूरत नैगेट्स तैयार ने। असं चिकन दे भी इंशाल्लाह ताला जल्दी लेके आवांगे रेसिपी ते तुहानू सिखावांगे, जो बच्चियां नू भी बहुत पसंद आनगे। तो प्लीज़ तुसी घर च भी ट्राई करो ते कमेंट्स करके दसना तुहानू ये साड़ी रेसिपी कैसी लगी है। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो च मिलांगे। अपनी दुआवां च सानू याद रखना। अल्लाह हाफिज़।